तो ये प्रश्न नंबर 12 है। तो 12 को हल करने के लिए देखिए हम इसका बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष बराबर ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो इसमें हम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में इन दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं, साइन 6x प्लस साइन 4x, और अगले कोष्टक में जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक ना। ये x प्लस वाई, यक्स माइनस वाई, ठीक ना। ये वाला सूत्र लगाते यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और यक्स माइनस ये वाई, ठीक ना। ये सूत्र लगाए थे। अब देखिए इसमें हम साइन यक्स प्लस साइन वाई ये वाला सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। देखिए इसमें साइन यक्स प्लस साइन वाई, साइन यक्स माइनस साइन वाई, ठीक ना। जैसे हमने यहाँ लिखा था ये हम सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ये होता है टू साइन, टू साइन एक्स प्लस वाई बटे दो और कॉस यक्स माइनस वाई बटे ये दो, ठीक ना। एक सूत्र ये हो गया प्लस वाले के लिए, और माइनस वाले के लिए क्या होता है साइन यक्स माइनस साइन वाई। तो इसमें हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे दो कॉस ये साइन हो जाएगा साइन यक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक ना। ये दोनों सूत्र लगाना है हमको। तो देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू साइन, टू साइन यक्स प्लस वाई बाई टू, तो 6 4 10, ठीक ना, 6 4 10, और इसका आधा कर लेंगे। तो एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पर 6x प्लस 4x बटे दो, और ये हो जाएगा साइन, इसी का पहले हल कर रहे हैं ना, तो पहले फिर कॉस, ये हो जाएगा 6x माइनस 4x बटे दो, इसका हो गया। अब इसका हल करेंगे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो इसमें लिखेंगे गुणे 2 cos 6x प्लस 4x बटे दो, और हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x बटे दो, ठीक ना। तो इसलिए अब सूत्र का बहुत ही ज़रूरत होता है, इसलिए अच्छे से सूत्र याद करिएगा। तो देखिए दो और ये है, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 2 साइन, देखिए 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये cos 6 में 4 गया 2 और 2 का तो ये x आ जाएगा, फिर 2 cos इसका में यही काम है 6 4 10, 10 का आधा 5x और sin ये x हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसको 2 sin ये 2 और ये वाला लिख लेंगे, देखिए sin 5x और ये cos 5x को लिख लेते हैं, ठीक ना, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। और फिर यहाँ लिखेंगे 2 ये sin x ये वाला लिख लेते हैं और ये cos x वाला लिख लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, देखिए सूत्र हमने बताया था, देखिए होता है sin 2x बराबर 2 sin x cos x, ठीक ना। ये सूत्र होता है, देखिए यहाँ 2 गुना है x तो यहाँ 1 गुना हो गया, ठीक ना। तो इसके बाद आधा हो जाता है, तो मतलब देखिए अगर ये 5 है तो सूत्र में लिखेंगे साइन 2x लिखेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा, तो ये जगह 10x, ठीक ना। जो भी यहाँ x होता है उसका यहाँ डबल लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ ये जो 5x है तो फॉर्मूला लिखेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो साइन 10x हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ x है, ये देखिए पूरा सूत्र ही लिखा हुआ है तो पूरा, है ना। तो इसको लिखेंगे साइन 2x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2x। तो देखिए ये साइन 2x पहले है तो पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x और साइन 10x। तो इस प्रकार ये दायां पक्ष आ गया।
तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो देखिए ये हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में है ये 13 प्रश्न नंबर 12 की जैसा ही है, ठीक ना। तो इसमें देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें हम सूत्र लिखेंगे। देखिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक ना। तो बाएं पक्ष को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बायां पक्ष ये हो गया कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स। तो एक बार इसमें यहाँ देखिए जोड़कर और एक बार घटा कर लिखना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कॉस टू एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स, फिर लिखेंगे कॉस टू एक्स माइनस कॉस सिक्स एक्स। तो देखिए इसमें लिखें कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का सूत्र आएगा। तो यहाँ हम सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ सूत्र के देखिए ये होता है सूत्र। देखिए लिखेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस ये वाई बराबर ये होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे दो कॉस एक्स माइनस वाई बटे दो, और होता है ये कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो इसके लिए होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बटे दो साइन एक्स माइनस वाई बटे दो। तो ये सूत्र होता है, इस पर हम रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए ये वाला सूत्र लगेगा, तो हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे दो और कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स बटे दो। और फिर देखिए इसके लिए लगाएंगे ये वाला सूत्र लगा लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये गुणे ये हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, ये माइनस दो साइन ये है एक्स प्लस वाई है ना टू एक्स प्लस सिक्स एक्स बटे दो और साइन टू एक्स माइनस सिक्स एक्स बटे दो, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ लिख लेते हैं माइनस, ठीक ना। और टू कॉस देखिए छः चार छः सात आठ, आठ का आधा करेंगे तो फोर एक्स आ जाएगा। फिर इसमें भी ये काम करेंगे तो माइनस फोर एक्स आएगा, टू से कटेगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा कॉस माइनस टू एक्स, ठीक ना। और ये टू और ये लिखा है साइन, इसमें भी होगा छः दो आठ, आठ का आधा चार और ये जाएगा साइन माइनस ये चार आधा दो तो माइनस टू एक्स, ठीक ना। तो ये माइनस टू एक्स आ गया। तो इस प्रकार आप देखिए इसको हल करेंगे, तो देखिए माइनस टू कॉस फोर एक्स और देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, इस प्रकार कॉस टू एक्स हो गया और गुणे दो ये हो जाएगा साइन फोर एक्स और साइन का ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस यहाँ हमने यहाँ रख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। एक माइनस ये है एक माइनस वो बाहर से आएगा, ठीक ना, इसके अंदर से बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा साइन टू एक्स। अब हो गया टू, अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए टू अब ये लिख सकते हैं यहाँ देखिए साइन टू एक्स है ना, इसको हम पहले लिख रहे हैं फिर कॉस टू एक्स लिख दे रहे हैं, फिर टू फिर हम यहाँ लिखेंगे साइन फोर एक्स और कॉस फोर एक्स, ठीक ना, इसको लिख दिए। तो इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है साइन टू एक्स, मतलब जो भी है इसका ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फोर एक्स, ठीक ना, और इसका लिखेंगे तो फोर टू जा एट तो एट एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये आ गया दायां पक्ष, यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं टू, क्या सूत्र लगाया है हमने यहाँ पर साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स कॉस
एक्स, ये वाला सूत्र लगाया, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ डबल एक्स हो जाता है ना, इसका थीटा का यहाँ डबल हो जाता है। इसी प्रकार देखिए, टू एक्स था तो हम यहाँ फोर एक्स लिख दिए हैं, और ये फोर एक्स है तो यहाँ एट एक्स लिख दिए। तो इस प्रकार ये हमारा दायां पक्ष आ गया। तो लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 13 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, तो इसका हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो बाएं पक्ष में देखिए लिखा है साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स, ठीक ना। तो हम इसको पहले इनको और इनको एक साथ लिख लेते हैं, जिससे हमको साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला इसमें हम रख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे साइन टू एक्स और साइन सिक्स एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स, ठीक ना। तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए क्या लगाएंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर टू साइन एक्स प्लस वाई बटे दो और कॉस एक्स माइनस वाई बाई बटे दो, ठीक ना। ये सूत्र होता है, तो इसमें हम मान रख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन साइन ये हो जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स एक्स, यहाँ टू भी रहता है, ये टू है, बटे दो और कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स बटे दो, और ये जो है ये प्लस टू साइन फोर एक्स। इसको हम लिखते चलेंगे ऐसे ही, इसको अब हल करेंगे तो जाएगा छः सात आठ, आठ का था चार, तो लिखेंगे साइन फोर एक्स और ये जाएगा कॉस, ये जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स। तो देखिए टू साइन फोर एक्स, टू साइन फोर एक्स आ गया। तो हम इसको देखिए, इस कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, साइन फोर एक्स कॉस टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स। अब इसमें हम टू साइन फोर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो टू साइन फोर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस टू एक्स और यहाँ पर ये वन हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। देखिए कॉस टू एक्स का फॉर्मूला एक होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक होता है, ठीक ना। तो यही वाला हम यहाँ सूत्र रख देंगे, टू साइन फोर एक्स और ब्रैकेट में है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक, ठीक ना, इसका है और ये प्लस वन इसका है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में और ये हो जाएगा दो दुनी चार कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन फोर एक्स। तो इस प्रकार ये देखिए दायां पक्ष आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 14 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में है, तो इसको देखिए हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बटे, इसका हम ये पक्षांतर यहाँ कर सकते हैं, तो लिखेंगे साइन फाइव एक्स प्लस माइनस में है माइनस साइन थ्री एक्स बराबर, ये हो जाएगा कॉट एक्स बटे कॉट फोर एक्स, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम बायां पक्ष लेके चलेंगे और दायां पक्ष ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें देखिए लिखेंगे हम बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये सूत्र लगाएंगे हम। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं, लिखेंगे देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस
x माइनस वाई बाई टू। इसी प्रकार साइन x माइनस साइन y का सूत्र देखते हैं यहाँ पर, साइन x माइनस साइन y का इसका फॉर्मूला होता है ठीक है, टू cos x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू, ठीक ना। तो इस पर रखेंगे तो देखिए, इस पर पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स बटे दो और कॉस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बटे दो और ये मेन बटा है ठीक ना, इसके बटे में है तो जाएगा टू साइन, अब ये वाला सूत्र रखेंगे हम लोग, टू कॉस हो जाएगा यहाँ, टू कॉस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स बटे दो और ये हो जाएगा साइन फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बटे दो। तो देखिए दो दो तो कैंसिल हो गया और देखिए ऊपर में जाएगा साइन पाँच तीन आठ, आठ का आधा चार एक्स और कॉस तीन में से पाँच में से तीन गया दो और दो का कटेगा तो केवल कॉस एक्स प्राप्त होगा बटे ये हो जाएगा ये भी कॉस फोर एक्स और ये साइन एक्स आ गया। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं देखिए साइन फोर एक्स बटे कॉस फोर एक्स गुड़े और ये देखिए क्या लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं एक बटे इसको यहीं लिखते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो इस प्रकार देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन बटे कॉस क्या हो गया टेन फोर एक्स और ये क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन का मतलब कॉट एक्स ठीक ना, और इसको हम ले सकते हैं बटे में करेंगे तो कॉट हो जाएगा तो एक बटे कॉट फोर एक्स। तो देखिए बाएं पक्ष लेके चले थे दाएं पक्ष आ गया ठीक ना, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि देखिए ये लेके चले ये प्राप्त हो गया ठीक ना। तो हम इसको एक बार फिर से देखिए ये लेके चले ये प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बटे साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बराबर देखिए क्या प्राप्त हुआ है कॉट एक्स बटे कॉट फोर एक्स ये हमको प्राप्त हुआ है। अब हम इसका तिरे गुणा कर देंगे तो हमको क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉट फोर एक्स कोष्टक में साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बराबर कॉट एक्स ये हो जाएगा साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 15 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, तो इसका हम बायां पक्ष ले लेते हैं, तो ये रहा बायां पक्ष, लिखेंगे साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स बटे कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। तो देखिए इसमें भी साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र रख लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई ठीक ना, इसका क्या सूत्र होता है तो लिखेंगे टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू ठीक ना। इसी प्रकार कॉस एक्स कॉस वाई ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए साइन इसका ये वाला है तो लिखेंगे टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू ये सूत्र होता है, इस पर रख लेते हैं। देखिए दोनों सूत्र हैं केवल, इस पर रखेंगे देखिए तो हो जाएगा टू साइन ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स बटे दो और ये हो जाएगा कॉस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बटे दो ये मेन बटा है और देखिए ये वाला सूत्र लगेंगे यहाँ पर, लिखेंगे टू कॉस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स बटे दो और फिर कॉस
5x माइनस 3x बटे 2। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये दो दो कैंसिल हो गया, ये तो लिखेंगे साइन, देखिए 5 3 8, 8 का आधा करेंगे तो 4x आ जाएगा, और इस प्रकार कॉस, 5 में से 3 गया 2 और कटेगा तो केवल x बचेगा, बटे ये 5 3 8, 8 का आधा 4, और इसको करेंगे तो कॉस x प्राप्त होगा। ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, देखिए साइन 4x बटे कॉस 4x बराबर टेन 4x, तो ये हो गया दायां पक्ष, ठीक ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 भी हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, तो इसमें हम साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए 2 cos x प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक ना, ये ऊपर वाले का हो गया। इसी प्रकार cos x प्लस cos y का फॉर्मूला रखेंगे तो ये जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2, और ये जाएगा cos है तो cos ही रहेगा, cos x माइनस वाई बाई 2। तो देखिए 2 2 कैंसिल, ये सेम चीज़ है, ये कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बटे कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, ये होता है टेन, और ये लिख गया एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये हमारा दायां पक्ष आ गया। तो इस प्रकार लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 18 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, इसमें भी साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र रख देंगे, तो देखिए यहाँ लिखते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या सूत्र होता है, लिखेंगे 2 साइन एक्स प्लस 3 मतलब एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक ना, बटे ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का सूत्र रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस 3x बटे 2। तो देखिए 2 2 तो कट गया, ये हो जाए 2 और 1 3, 3 1 4, 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो साइन 2x हो जाएगा, और इसमें से एक हो जाए तो माइनस 2x मतलब कॉस माइनस x हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा, ये भी चीज़ ऊपर वाला, ये हो जाएगा कॉस 2x और यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस एक्स। तो देखिए हो जाएगा साइन, साइन बटे कॉस क्या होता है, ये टेन 2x हो जाएगा, और देखिए सेम चीज़ है, चाहे तो इसको आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम साइन 2x बटे कॉस 2x गुड़े, देखिए कॉस माइनस एक्स का कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, तो सेम चीज़ था, कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस टेन 2x हो गया। तो इस प्रकार देखिए दायां पक्ष आ गया, ठीक ना, और ये बायां पक्ष लेके चले थे, तो ये हो गया बायां पक्ष। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 है, तो ऊपर वाले में देखिए क्या सूत्र लगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र लगाएंगे, तो देखिए क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बटे 2, और यहाँ हो जाएगा sin x माइनस 3x बटे 2, है ना, x माइनस वाई बटे 2 बटे, तो देखिए ये सूत्र है, ये इसका सूत्र है, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, ये सूत्र होता है, और यहाँ देखिए स्थान बदल कर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, ये बायां पक्ष है। देखिए इसको हल भी करते हैं,
तो ये जगह टू और तीन और एक चार, चार का आधा दो, तो कॉस टू एक्स और ये माइनस साइन माइनस एक्स बटे माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स। तो इस प्रकार देखिए आया माइनस टू कॉस टू एक्स और ये माइनस देखिए यहाँ से बाहर आएगा, देखिए ये वाला माइनस हमने ही यहाँ लिखा है ना, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ लिख दिया, साइन एक्स यहाँ लिख दिया, बटे देखिए माइनस कॉस टू एक्स लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये माइनस माइनस कैंसिल, कॉस टू एक्स कैंसिल, तो इस प्रकार टू साइन एक्स ये प्राप्त हुआ जो अपना दायां पक्ष है। तो इस प्रकार हमारा दायां बायां दोनों बराबर आ गया। तो इस प्रकार लिखेंगे प्रश्न नंबर 20 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में है, ये बायां पक्ष है वो दायां पक्ष, तो हम बायां पक्ष को लेके चल लेंगे। तो देखिए बायां पक्ष ठीक है, तो हम इसको देखिए cos 4x और cos 2x को एक साथ लेकर इसमें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी प्रकार sin 4x और sin 2x को भी एक साथ लिखकर sin x प्लस sin y का सूत्र लिखेंगे, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं देखिए cos 4x cos 2x ठीक ना, मतलब देखिए अगर हम इनको जोड़ेंगे ना तो चार दो छः, छः का आधा करते बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को लेंगे तो तीन दो पाँच, पाँच बटे दो, मतलब भिन्न में रह जाएगा ठीक है, इसलिए इसको हम किनारे कर दे रहे हैं। प्लस कॉस 3x बटे साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस ये 2x होगा ठीक ना, तो इसको एक साथ लिख रहे हैं साइन 2x प्लस साइन 3x। अब देखिए इसमें हम साइन x प्लस कॉस y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जाएगा टू कॉस 4x प्लस 2x बटे दो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 4x माइनस 2x बटे ये दो हो जाएगा, और ये प्लस कॉस 3x तो लिख दिया हमने यहाँ पर, बटे इसी प्रकार साइन x साइन y में लगा देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे टू साइन 4x प्लस 2x बटे दो, और जाएगा यहाँ cos 4x माइनस 2x बटे दो और प्लस sin 3x ये लिखा है ठीक ना। तो इसमें देखिए सूत्र ये हम लगा दे रहे हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर देखिए cos x प्लस cos x प्लस cos y, देखिए ये सूत्र है, तो इसका सूत्र लिखा है 2 cos x प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू ठीक ना, और नीचे वाले में लिखा है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो इसका क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू ठीक ना, यही सूत्र हमने यहाँ लगाया है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, ये लिखेंगे कॉस चार दो छः, छः का आधा तीन, और ये हो जाएगा चार में दो गया दो और दो कटेगा तो कॉस एक्स बचेगा, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स बटे साइन, यहाँ भी कटेगा चार दो छः, छः का आधा तीन एक्स और कॉस ये एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, देखिए यहाँ पर दोनों कॉस थ्री एक्स कॉमन मिल गया हमको, तो लिखेंगे cos 3x कॉमा में आएगा तो जाएगा cos x यहाँ प्लस वन है ना, यहाँ वन बचा बटे यहाँ लिखेंगे sin 3x और यहाँ बचेगा कोष्टक में cos x प्लस वन, तो देखिए कोष्टक का सेम चीज़ है तो कट गया, ये बचा sin बटे cos, तो cos बटे sin तो जाएगा cot 3x ठीक है, तो जो अपना दायां पक्ष है। तो इस प्रकार बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमको प्राप्त हो गया, तो ये सिद्ध हो गया। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 22 है, तो 22 वाले में देखिए बायां पक्ष ये है, हमको केवल वन सिद्ध करना है ठीक ना, तो हम इसको देखिए हल करेंगे कैसे सिद्ध करना है। तो हम देखिए इसमें एक अलग है, एक उदाहरण था जैसे उदाहरण है एनसीईआरटी में भी, देखिए यहाँ पर 3x है ना,
तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट यक्स प्लस टू एक्स, मतलब कॉट थ्री एक्स को लिख सकते हैं, देखिए कॉट थ्री एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस टू एक्स, ठीक है, कॉट टू एक्स। अब कॉट एक्स प्लस वाई का सूत्र रख लेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए कॉट का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस एक बटे कॉट टू एक्स प्लस कॉट एक्स, ये सूत्र होता है, ठीक ना, ये सूत्र होता है, देखिए कॉट एक्स प्लस वाई वाला है, तो इसका सूत्र देखिए हमने लिखाया था, ऐसे शुरू करते हैं कॉट एक्स प्लस कॉट वाई वन माइनस कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक ना, तो ये सूत्र रखा है हमने केवल एक्स और ये वाई माइनस वन एक्स और ये वाई, ठीक ना, ये एक्स हो गया ये वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाई है तो टू है, ठीक ना, एकदम ऐसे लिखा है। अब इसका क्या करिए, इसका हम तिरेक गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इनका गुणा इनमें, तो जब इनका गुणा करेंगे तो देखिए ये चीज़ तो ऐसे ही यहाँ चली आएगी, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस एक बराबर, इसका गुणा देखिए इनमें होगा, इसका गुणा इनमें होगा, ठीक ना, दोनों पद में होगा, तो लिखेंगे कॉट टू एक्स, इसमें इसका गुणा पहले इसमें कर रहे हैं, तो या तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए कॉट थ्री एक्स लिख लिया और कोष्टक में कॉट टू एक्स प्लस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स लिख दे रहे हैं, है ना, तिरेक गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस एक बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिख देंगे कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स प्लस, फिर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो लिखेंगे कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स, ठीक ना, तो इनको हम बाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, इस वन को दाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा कॉट एक्स कॉट टू एक्स, जब इसको हम अंदर करेंगे तो माइनस में जाएगा माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स, जब उसको भी पक्षांतर करेंगे तो माइनस कॉट थ्री एक्स और कॉट एक्स बराबर, इस माइनस को उधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, तो इस प्रकार ये हो गया इति सिद्धम। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 हल हो गया, अब प्रश्न नंबर 23 देखते हैं।